अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल। कैसे आप सब, उम्मीद है कि ठीक ठाक होंगे। आज की जो रेसिपी है ये है जी मसाला अरबी। बहुत मज़ेदार, बहुत स्पेशल और परफेक्ट रेसिपी है ये। तो जी अगर आप चाहते हैं कि आपकी भी बहुत अच्छी बने तो एक एक स्टेप फॉलो कीजिएगा और बढ़ते हैं इसकी रेसिपी की तरफ। इसके लिए जी मैंने ली है 1 किलो अरबी। इसे इस तरह से काट लिया, इसका छिलका उतार लिया और इसे लंबाई में काटा है, ठीक है। आप मैंने इसके अंदर पानी डाल दिया, खुला पानी हमने यूज़ करना है। और इसके अंदर मैं डाल दूँगी 1 टीस्पून जी नमक। नमक इसलिए हमने इस तरह से डालना है कि हमने जब पानी डाल देना है तब इसमें नमक ऐड करना है। डायरेक्ट अरबी पर हमने नमक ऐड नहीं करना क्योंकि अरबी से नमक उतारना बहुत मुश्किल है, नहीं उतरता। पानी में हम ऐड करेंगे तो पानी से निकल आएगा, ठीक है, जब हम इसे अच्छे से साफ़ कर लेंगे। अब लूँगी मैं 2 प्याज, 1 टमाटर और 3 हरी मिर्चें, बारीक काट लिया है। अब पानी अरबी का वेस्ट कर दिया, अच्छे से धो लिया है। और 5 चम्मच में लूँगी आटा, ठीक है। जिस आटे से आप रोटी पकाते हैं ना वही हमने आटा यूज़ करना है। और इसको हमने अच्छे से मसल लेना है हाथ की मदद से, ठीक है। ये एक तरह से ना कोटिंग हो जाएगी इस पर, अरबी पर, आटे की। इससे ये होगा जब हम अच्छे से कर लेंगे तब जब हम इसे वॉश करेंगे तो इसकी सारी लेस ख़त्म हो जाएगी और इसका जो अरबी अक्सर बन जाती है लेसली सी और इसमें हो जाता है थोड़ा सा वो घुल मिल जाती है, वो नहीं होगी इस रेसिपी में, ठीक है। तो जी अरबी हमने लेनी है ऊपर नीचे से बराबर, ऊपर से बड़ी नीचे से छोटी, मतलब साइज़ में वैसी नहीं लेनी, जड़ वाली अरबी नहीं लेनी। तो जी इसे मैंने अच्छे से धो लिया है और एक साइड पर कर दूंगी। और बल्कि इससे पहले हमने अच्छे से कपड़े से ड्राई कर लेंगे क्योंकि हमारे पास जो नेक्स्ट स्टेप है उसके लिए ड्राई करना बहुत ज़रूरी है। और जो ये सालन बनने जा रहा है ये बिल्कुल भी लेसला नहीं होगा, ठीक है, इसमें लेस नहीं होगी। 2 कप मैंने ऑयल लिया था, ज़्यादा गर्म नहीं था, ये मीडियम फ्लेम है। इसमें मैं सारी अरबी डाल दूँगी और इसे हमने फ्राई करना है। इसे हमने फ्राई पता है कितना करना है, तकरीबन 10 से 12 मिनट, 12 से 13 मिनट हो सकते हैं, लेकिन इसे कम नहीं करना। हमने अच्छे से इसे कुक करना है, कोई भी अरबी कच्ची नहीं रहेगी। और जो अरबी मतलब छुरी से काटने में थोड़ी सख्त फील हो वो आपने स्किप कर देनी, वो आपने बिल्कुल नहीं लेनी, छोड़ देनी है। अरबी सारी मैंने इसके अंदर डाल दी है और इसे हम फ्राई करेंगे मीडियम फ्लेम पर ही, ऑयल ज़्यादा गर्म नहीं होना। यहाँ पे यही है 3 बातें, इसे अच्छे से हमने फ्राई कर लेना है। और बीच में हमने 1-2 बार चम्मच की मदद से इसे हिला भी लेना है, कोई मसला नहीं होगा, अच्छे से बन जाएगी ये। दूसरे स्टेप में बढ़ते हैं तो उसके लिए कढ़ाई लूँगी मैं, इसमें 2 टेबल स्पून डाल दूँगी मैं ऑयल के। एक जो हमने अभी 2 प्याज काटे थे वो इसके अंदर डाल दूँगी, बारीक बारीक काटने हैं, मसाला बनाना है ना इसलिए बारीक प्याज काटने हैं, बारीक ही टमाटर वगैरह। और 1/2 चम्मच दूँगी मैं लहसुन पेस्ट, लहसुन पाउडर भी यूज़ कर सकते हैं। थोड़ा सा पानी डाला है इसमें, भूनना है हमने इसे अच्छे से मीडियम टू लो फ्लेम पर। मैं कर रही हूँ ये, जब ये थोड़ा सा पक जाएगा ना लहसुन तब हमने इसके अंदर डाल देना है जी टमाटर। और इसके अच्छे से हमने भुनाई करनी है। जो मसाला है इसकी भुनाई बहुत इम्पॉर्टेंट है, तकरीबन 7 से 8 मिनट इसकी भुनाई हो तब सालन की शक्ल आती है अच्छी। और हरी मिर्चें मैंने इसके अंदर डाल दी हैं पहले ही, तो जी इसका टेस्ट और अच्छा हो जाएगा, साथ साथ आप हिलाते जाएँ। नमक डाल दूँगी, 1.5 चम्मच नमक डालूँगी मैं इसके अंदर, 1 किलो अरबी है, ठीक है। और 1/2 चम्मच मैं इसके अंदर डाल दूँगी जी हल्दी का, 1.5 चम्मच इसके अंदर लाल मिर्च डाल दूंगी, साथ साथ हम इसे चम्मच हिलाते जाएंगे। और इसका हमने पानी सारा अच्छे से कुश कर लेना है, फिर इसके अंदर अरबी डालनी है। अरबी की तरफ देख लेते हैं जी, अच्छे से हो रही है फ्राई और इसका हम पानी कुश कर रहे हैं। जब इसका पानी खुश्क होगा तब इसके अंदर अरबी जाएगी, और जब अरबी अच्छे से मतलब 10 से 12 मिनट हो गए और फ्राई होगी तब हमने उसे किसी भी छन्नी वगैरह में छान कर रख लेना है एक साइड पर। और जैसे इसका पानी खुश्क हुआ हमने इसके अंदर डाल देनी है अरबी। हाई फ्लेम कर सकते हैं आप इसका पानी खुश्क करने के लिए। अरबी को मैंने एक साइड पर छान लिया था तो रख लिया था छन्नी में डालकर, ये सारी अरबी है।
और इसको हमने मसाले में डाल दिए। अच्छे से इसे मिक्स कर लेंगे ताकि कोई भी मसाला इसे दूर ना रहे, और इसको हमने तकरीबन 4 से 5 मिनट तक भूनते रहना है। भुनाई इसकी बहुत इम्पोर्टेंट है क्योंकि इसी तरह से अरबी का टेस्ट इसके अंदर जाएगा, मसालों का और अरबी का टेस्ट एक हो जाएगा। और हमने ना इसको भूनना है तकरीबन 4 से 5 मिनट। अगर लगने लगे तो आप थोड़ा सा पानी डाल दीजिएगा। ये देखिए मैंने थोड़ा सा पानी डाला है, तकरीबन 1 से 2 घूंट, और अच्छे से मैं मिक्स कर दूँगी। अब 4 से 5 मिनट से अच्छे से भूनते रहें। इसके बाद हमने इसको गली तो ये पहली ही हुई है, थोड़ा सा जो इसमें है कच्चापन थोड़ा सा रह गया होगा वो हमने अब इसका दूर करना है। अब मैं इसके अंदर 1/2 कप पानी डाल दूँगी और इसे मीडियम टू लो फ्लेम पर पकाऊंगी। इस दौरान अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो मेरा चैनल सब्सक्राइब कर दे, और अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लग रही हो तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा। कवर कर दिया मैंने इसको तकरीबन 4 से 5 मिनट के लिए, देखें लो फ्लेम पर इसे पका रही हूँ, मीडियम टू लो फ्लेम पर। और ये देखें कितना अच्छा इसका कलर आ गया है, कितनी अच्छी सी ये लग रही है, इसका लुक चेक करें कितना अच्छा है। तो जी अब इसके अंदर मैं 1 कप पानी का और ऐड कर रही हूँ। अब आप इसे हाई फ्लेम पर कुक कर सकते हैं। इसका हमने सिर्फ कच्चापन दूर करना है। अब जो ये मेन स्टेप है, ये 3 से 4 मिनट के बाद ये तैयार होगा हमारा अरबी का सालन। और ये देखिए साथ साथ आप चम्मच भी हिला सकते हैं, इतना ज़्यादा नहीं हमने हिलाना। 1 चम्मच मैंने इसके अंदर डाल दिया है जी ज़ीरा धनिया पाउडर भरा हुआ 1 चम्मच, ठीक है। और इसके साथ ही मैं इसके अंदर डाल दूँगी 1/2 चम्मच, आधे से थोड़ा कम काली मिर्च का, पीसी हुई काली मिर्च का। कवर कर दूँगी 2 से 3 मिनट के बाद। और ये देखें जी हमारा सालन ऑलमोस्ट रेडी है। अब जो मेन चीज़ है इसके अंदर वो हमने डालनी है जी हरा धनिया, और बिल्कुल दम वाला फ्लेम है ताकि जो ऑयल है इसके ऊपर अच्छे से आ जाए। देखिए चेक करें कितना अच्छा ये बना है, ऑयल इसके ऊपर आ चुका है, मैंने फ्लेम इसका सारा बंद कर दिया था। तो जी अब हमने इसके ऊपर हरा धनिया डालना है, और अगर आप चाहें तो लेमन डाल सकते हैं, ऑप्शनल है, वरना इसके टेस्ट को और बढ़ा देगा। हम इसके अंदर लेमन भी डाल सकते हैं, इसे आप लंच में यूज़ करें, डिनर में यूज़ करें, बहुत अच्छा बनता है ये। तो जी ये चला गया इसके ऊपर लेमन। टेस्टी एंड ईजी रेसिपीज़ के लिए आप मेरा चैनल सब्सक्राइब कर सकते हैं, और उम्मीद है कि आपको मेरी रेसिपी अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगे तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। कमेंट लाजमी क्या करें, हरा धनिया मैंने इसके अंदर डाल दिया है। मिलते हैं अपनी न्यू रेसिपी के साथ, अल्लाह हाफिज़।